हेलो फ्रेंड्स, मैं गजानन आपके अपने यूट्यूब चैनल गजराज टेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम करेंगे रियलमी X7 Pro अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये अभी 26-27 जनवरी को लॉन्च होने जा रहा है। इसके साथ आपको प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें प्रोसेसर मिलता है डायमेंसिटी 1000 प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल कैमरा, 120 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट मिलेगा, 65 वाट का इसका चार्जर मिलेगा और इसका जो रिफ्रेश रेट मैंने आपको पहले बताया कि इसका रिफ्रेश रेट जो है दोस्तों 120 हर्ट्ज का मिलेगा। तो चलिए अभी इसे हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज वगैरह हमें मिलता है हम इसको चेक करेंगे। खुल गया, ये देखिए यहाँ पे रियलमी का ब्रांडिंग है और इसका बॉक्सिंग वगैरह जो है बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग वगैरह रहता है। इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है। इसके अंदर दोस्तों ये देखिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलता है इसके साथ हमें। ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसे हम साइड में कर देंगे। इसमें एक प्लास्टिक कवर मिलता है जिसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं पारदर्शी ये कवर है बिल्कुल। इसको आप कैसे भी मोड़े कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका क्वालिटी है। इसके पीछे मोबाइल है हमारा, मोबाइल में दोस्तों हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ये देखिए पीछे के साइड में इसमें रियलमी का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा आपको। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए इसमें ग्लास तो नहीं है लेकिन ये कॉम्बो है दोनों का, ग्लास और प्लास्टिक का ये थोड़ा कॉम्बो है, देख सकते हैं यार। रियलमी का ब्रांडिंग वगैरह दिया है, डेयर टू लिव यहाँ पे लिखा है और इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। इसका कैमरा वगैरह देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका कॉम्बो दिया है। इसको रिबूट करते हैं, साइड में रखते हैं, ऑन करने के लिए रख देते हैं इसको और बाकी एक्सेसरीज हम चेक करेंगे इसमें साथ हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा 65 वाट का चार्जर, ये काफ़ी फास्ट चार्जर है, इससे काफ़ी फास्ट आपकी चार्जिंग होने वाली है। और इसके साथ हमें टाइप सी केबल मिलता है, टाइप सी का ज़माना है दोस्तों अभी, तो आपको जाहिर सी बात है कि इसके साथ आपको टाइप सी ही मिलने वाला है। ये टाइप सी चार्जर है, लगभग 1 मीटर का इसका कॉर्ड है। और ये देखिए ये है आपका कनेक्टर वायर जो हेडफोन कनेक्ट करने के लिए आपको दिया गया है, कनेक्टर वायर है इसके साथ में। और इसका इजेक्शन स्लॉट है, सिम का ट्रे स्लॉट जो है। चलते हैं फ़ोन की तरफ। दोस्तों इसका जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का है ये देखिए। इसका जो टच है बहुत ही स्मूथ है। अभी हम चलते कैमरे की तरफ, इसका कैमरा चेक हम कर लेते हैं। कैमरा क्वालिटी इसका दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। ये प्राइमरी कैमरा हम चेकअप कर लेते हैं, ये देखिए 8 मेगापिक्सल का इसका वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। ये हमने कुछ शॉट्स वगैरह लिए हैं आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये प्राइमरी कैमरे से हमने लिया है। दोस्तों इसका जो कलर है काफ़ी ज़बरदस्त है और इसका जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा आपको जो लुक है इसका थोड़ा सा हटके मिलता है, नेचुरल से थोड़ा अलग मिलता है, नेचुरल तो नहीं मिल पाता है लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो कैमरा है आपको मिलने वाला है। ये देखिए दूसरा भी इसका जो पिक्चर क्वालिटी वगैरह है बहुत ही ज़बरदस्त है, कैमरा का जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये देख सकते हैं आप। इसका जो इसके साथ जो मैक्रो कैमरा दिया है दोस्तों वो भी मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, ये देखिए इसका भी जो काफ़ी क्लियरिटी है काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी हम चलेंगे इसकी ऑडियो क्वालिटी की तरफ, ऑडियो क्वालिटी भी हम इसका चेक कर लेंगे।
ऑडियो क्वालिटी भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आप देख सकते हैं। आपको शायद सुनाई ना दे यहाँ से, ये हम कॉपीराइट क्लेम के चलते इसका थोड़ा सा आवाज़ म्यूट कर देंगे, इस कारण से आपको इसका आवाज़ सुनाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, इसका जो है ऑडियो क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त है, साउंड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। इसके अगर बैटरी की हम बात करते हैं तो 4500 mAh की आपको इसके साथ बैटरी मिलने वाली है। इसका थोड़ा सा सेटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन इसका दिया है, सेटिंग में जाके आप इसको देख सकते हैं और इसका ठीक सेटिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।